एक्चुअली एक और जरूरी बात बता रहे तो इनके टोल कर बारे में। हर गाइस तो आज एक वो अनजान जगह में जाता हूँ जेके अवला बेट्टा हिल टॉप और अनजान हम के कोनो आइडिया ना के बस संग मन जाते तो है मन से जाता हूँ। तो बनल रहा ब्लॉग में, ये नया ब्लॉग ही पहला वाला ब्लॉग अपलोड कर चुके हूँ तो बस बनल रहा ब्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल के। तो फिलहाल निकल चुकी है मैं यहाँ से। मैं एक्चुअली सांग मन कर रूम में रहूँ तो ये रूम से निकल के बिहाने आ रहा हूँ। एखन यहाँ से निकल के जा सीधा संग मन रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं एखन निकलो था, मतलब पहले मैं ही निकलो था, बाद में संग मन आवे और थे ऊपरे आए तो बस मिलो रास्ता में। और जे आज कर जैसे ना है उसन तो इन तो जानबे कलर तो इनके देखिए अगर लाइक और सब्सक्राइब शेयर करेगा है बस और कुछ नहीं। तो फिर से नया ब्लॉग कर जर्नी शुरू हुई चुके। हम यहाँ से निकल चुके जाती फिलहाल अबला बेट्टा हिल। बस रास्ता ही देखा फिलहाल तो खाली की रास्ता ही दिसी तो इनके घर चला। सामने जाए कहे हम इनके श्री हनुमान जी का टेम्पल है तो घर से निकुन साइड में सारे को सारा वो थे जे कि हम इनके लेके जाते। तो फिलहाल वेट करो थे हम इनके वो जगन और मैं तो इनके सीधा मिलबो सार जगन जब पहुँच के। और बनल रहा ब्लॉग में, एंजॉय करा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जे भी करवा के दो और चलते रहो मोर संगे ब्लॉग में। इन्हें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और कोई उपाय ही ना के ट्रैफिक तो मन के पड़ी। सबके सजेस्ट करबो ट्रैफिक सिग्नल हमेशा फॉलो करा, टाइम पे रुका और बस चला ध्यान से और हेलमेट हमेशा पहना क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। मैं हमें जब हर जगह जाती ऊपर जगह पहुँच जा क्योंकि हनुमान जी का स्टेच्यू कुछ देर बाद ही है ये जगह सिग्नल पार हो जाके। जंग खड़ा है सर पता ना क्या बस हमें पहुंच के लिए हनुमान जी का स्टैच्यू जिसको दे दो इनके फ्रेम में। हाँ सर रीच से। हाँ सर हनुमान जी स्टैच्यू है रीच सिग्नल। बस स्टॉप ये है क्या हनुमान जी का स्टैच्यू तो इनके देखो थे बहुत बड़का है। और सिग्नल जो सर कर वेट करो तो ही उठो चाह लाला ऑलरेडी और एक मैं स्पीड बढ़ाई जाता हूँ नहीं कल की डेढ़ घंटे का रास्ता है तो सर तो इनके वोकल नहीं आते हुए मुझे चिल्लाई पड़ो थे और ब्लॉग में तुम इन लगी इन तो चला बस बनल रहा। और फिर से सिग्नल यार वत्ता फालतू सिग्नल तो सिग्नल ही है कि कोनो कारण नहीं जाए। रावा बनल रहा ब्लॉग में बस मन आगुआ आगे जाते हैं। हाँ चल फॉलो करे मन वैसे आगे निकल जी है तो कुछ मैप है के जेके लेके जाइए हम इनके यहाँ जाए का है एग्जैक्टली पता नहीं तू इनके देश होते कि नहीं देश होते ना के पता। हाँ यहाँ तो डेढ़ घंटे का रास्ता दिखा थे बस पता नहीं पहुँचे के लिए कितना टाइम लगे अब डिपेंड कर रहा ट्रैफिक ऊपर। पहुंच के लिए हमें हाईवे जो कि एयरपोर्ट से के बैंगलोर कर यलाहंका एयरपोर्ट स्टेशन यलाहंका है गेट हो इसके बाद और भी रास्ता है जाए का है। फिलहाल गाड़ी का स्पीड है वोकल सुनाई नहीं दे रहे हैं
लोकल तो अगर कोशिश नहीं कर रहा तो इन सिनेमैटिक वीडियो एंजॉय करा। जाते चिक्का बल्लापुर जे की 29 किलोमीटर है यहाँ से, तो इनके दिशो थे हुई। एक्चुअली एगो जरूरी बात बता रहे तो इनके टोल कर बारे में, जे कि 10 सेकंड रूल कहे ना इनके टोल में, अगर तो 10 सेकंड से ज़्यादा रुक ले तो पैसा लेवे नहीं पर पाओ, मैंने रूल बना ला है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा गाड़ी जाम हो जाएगा से चलते, अगर ना टोल में ट्रैफिक जाम टाइप कर हो जाएगा से चलते ये रूल्स बना रहे कि अगर तुम्हें 10 सेकंड से ज़्यादा रुक ले टोल में तो तुके जे टोल कर टैक्स जो काटे ना वो टैक्स देवे नहीं हुई। हमें करीब 10-12 किलोमीटर जैसा आगे चला है और 29 किलोमीटर बाकी नहीं वगैरह है, 20 किलोमीटर जैसा आगे चला है और लगभग एक 25 किलोमीटर जैसा बाकी है। रात ही आराम से चला, चलते रहा, मूवी बनल रहा और एंजॉय ही करा। ब्लॉग के लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर शेयर भी करिए दोनों। और ये है कि हम इनकर गैंग बैंग मन इन्हें तो कहा अमन, तुषार, अंशु और उसके बारे तो स्टेफनी की कहा लो तो इनके पता ही नहीं, बस कुछ ऐसे नहीं। मजा आओ थे, हल्का सा सनशाइन है, मतलब सूरज अच्छा निकल है जो सूरज अच्छा निकल है, वेदर बहुत बढ़िया है और जेकर वजह से चलाने के लिए भी अच्छा लगता है गाड़ी है। फिलहाल दो लेन देख लो, एखन तीसरा लेन में हो, जब ट्रोल जगह पहुँचो तब तो लेन कर भरमार लग जाए का वैसे नहीं। ये बैंगलोर का रास्ता बहुत बढ़िया है यार, मतलब यहाँ का डेवलपमेंट इतना अच्छा से है नहीं, रास्ता रोड ऑलमोस्ट हम इनकर जे हाईवे जैसा रहे होते नहीं, अगर नॉर्मल रोड बना रहे हालत किसे न है इतना अच्छा से बनाए गए, डेवलप हुई है इतना अच्छा से, ऑब्वियसली सब कुछ ठीक रखे पड़ी, स्टैंडर्ड के बनाए गई रखे पड़ी। और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहे जगह कारण से, रोड बड़का होने के कारण से ट्रैफिक बढ़ल और ट्रैफिक बढ़े कर कारण से पॉल्यूशन बढ़ल और पॉल्यूशन बढ़े कर कारण से हम इनकर ग्लोबल वार्मिंग हुए और ग्लोबल वार्मिंग हुए कर कारण से हम इनकर अर्थ के मदर अर्थ के देखो अफेक्ट बढ़ल का, तो बस इनके दिशा तुमने नार जाते देखो भाई आए अभिषेक नाम के जगह के एक बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरे गाँव के रही है के हार